नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बासु के ऐसे सच के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। बिपाशा के करियर में देखा गया है कि बिपाशा अपने करियर के दौरान फिल्मों में अपनी अच्छी एक्टिंग के लिए कभी भी चर्चा में नहीं रही है, लेकिन अपने कंट्रोवर्सीज और अपने अफेयर को लेकर वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा करती थी। आज इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिपाशा बॉलीवुड में आई थी साल 2001 में। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से सनसनी मचा दी थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में खुल के एक्सपोज किया था। बिपाशा आखिरी बार 2015 में अलोन नाम की हॉरर मूवी में दिखाई दी थी। उसके बाद साल 2020 में एक वेब सीरीज में दिखाई दी थी, लेकिन जैसे वो इस समय बॉलीवुड में ईद का चांद हो रखी है, उस हिसाब से कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में उनका फिल्मी करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बिपाशा के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में। बिपाशा एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता सिविल इंजीनियर थे और माता हाउसवाइफ थी। बिपाशा का जब जन्म हुआ था तब उनका परिवार दिल्ली में रहता था, लेकिन जब वो 8 साल की थी तब परिवार संग वो कलकत्ता आ गई। बिपाशा की 2 बहनें भी हैं, एक छोटी और उनसे एक बड़ी है। बिपाशा बचपन से ही पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार थी। जब वो 12वीं क्लास में थी तब उन्होंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि बिपाशा को अपनी क्लास का मॉनिटर भी बनाया जाता था, लेकिन ग्रेजुएशन में बिपाशा ने साइंस से कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में बिपाशा अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रही थी, तभी वहां पर बिपाशा को नोटिस किया अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ और सुपर मॉडल मेहर जेसिया ने। मेहर जेसिया ने बिपाशा को अपने पास बुलाया और मॉडलिंग में ट्राई करने के लिए उसे सजेस्ट किया। इसके बाद बिपाशा ने साल 1996 में ही गोदरेज सिंथॉल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और कॉन्टेस्ट जीत लिया। इस कॉन्टेस्ट के दौरान बिपाशा की मुलाकात हुई थी मिलिन सोमन से। मिलिन मॉडलिंग में हमेशा से एक बड़ा नाम रहा है और विवादों में भी बहुत बड़ा नाम है। यही कारण था बहुत जल्दी बिपाशा और मिलिंद की दोस्ती हो गई और फिर दोस्ती बदल गई प्यार में। मिलिंद का साथ मिलते ही बिपाशा मॉडलिंग में चमकने लगी थी। मिलिंद और बिपाशा का अफेयर लगभग 2 साल तक चला था। बिपाशा और मिलिंद के रिलेशन टूटने की एक वजह था डिनो मोरिया। दरअसल बिपाशा और डिनो की मुलाकात एक एड के दौरान हुई थी और उसी एड के दौरान दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया। तब तक बिपाशा और डिनो में से किसी ने भी फिल्मों में एंट्री नहीं ली थी। फिल्मों में एंट्री हुई साल 2001 में और फिल्म थी अजनबी। अजनबी फिल्म में लीड रोल में थे बॉबी देओल और उसके साथ थी करीना कपूर, और नेगेटिव रोल में थे अक्षय कुमार और उसके साथ में थी बिपाशा बासु। अजनबी बिपाशा की पहली फिल्म थी, लेकिन फिल्मों के ऑफर उन्हें साल 1997 से ही आने लगे थे। 1997 में विनोद खन्ना ने अपने बेटे अक्षय खन्ना को इंट्रोड्यूस किया था फिल्म हिमालय पुत्र से। विनोद खन्ना चाहते थे कि बिपाशा अक्षय के अपोजिट इसी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करे, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ने बिपाशा को फिल्म से रिजेक्ट कर दिया क्योंकि बिपाशा उस समय मात्र 18 साल की थी। इसके बाद हिमालय पुत्र से बिपाशा को निकाल कर अंजला जवेरी को ले लिया। इसके बाद जया बच्चन ने बिपाशा को अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ लॉन्च करने के लिए एग्री कर लिया था। फिल्म का नाम था आखिरी मुगल, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म भी कैंसल हो गई और उस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी उसमें फेर बदल करके एक नई कहानी लिखी गई, जिसका नाम था रिफ्यूजी। रिफ्यूजी में अभिषेक के अपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया गया था। हालांकि बिपाशा को रिफ्यूजी में ही सोनल शेट्टी के अपोजिट कास्ट किया जा रहा था, लेकिन पिछले 2 बार के रिजेक्शन के चलते इस बार बिपाशा ने ही उस रोल को करने से मना कर दिया था। इसके बाद में बिपाशा की एंट्री हुई अजनबी फिल्म से। अजनबी में बिपाशा को अवार्ड भी मिला था। अजनबी हालांकि एक सुपरहिट मूवी थी, लेकिन उस फिल्म का सारा क्रेडिट करीना कपूर ले गई। इसके बाद साल 2002 में बिपाशा ने एक और तेलुगु फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद 2002 में ही बिपाशा की एक और हिंदी फिल्म आई जिसका नाम था राज। राज में बिपाशा का बॉयफ्रेंड डिनो मोरिया ही थे। फिल्म के न सिर्फ गाने बल्कि फिल्म भी एक बड़े लेवल पर हिट साबित हुई थी, और लगातार 2 फिल्में सुपरहिट होने के बाद बिपाशा की गाड़ी फिल्मों में दौड़ने लगी। इसके बाद इसी साल 2002 में बिपाशा ने 5 और फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें से किसी भी फिल्म में राज जैसी सफलता हासिल नहीं की। इसके बाद अगली सफलता मिली साल 2003 में
जब फिल्म जिस्म में जॉन अब्राहम के साथ इन्होंने लीड रोल प्ले किया था। लेकिन इस फिल्म की सफलता के बाद विपाशा ने एक के बाद एक सारी फिल्में फ्लॉप दी। लेकिन जिस्म के दौरान विपाशा का अफेयर जॉन अब्राहम के साथ शुरू हो गया था। जॉन और विपाशा कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। जॉन का विपाशा के साथ लंबा अफेयर चला था। जॉन के बाद विपाशा की लाइफ में आया हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज हैपनेट। जॉर्ज के साथ में विपाशा का रिलेशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही विपाशा का दिल इंडियन एक्टर पर आने लगा। इस बार नंबर लगा हरमन बावेजा का। हरमन के साथ विपाशा का नाम हालांकि एक साल तक ही जुड़ा था। विपाशा ने इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हरमन बावेजा ने मीडिया में स्वीकार किया था कि वो विपाशा को डेट कर रहे थे। साल 2008 में विपाशा ने सैफ अली खान के साथ में भी एक फिल्म की थी जिसका नाम था रेस। इस मूवी के दौरान सैफ और विपाशा की नजदीकियों की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। हालांकि इस फिल्म के दौरान विपाशा जॉन के साथ में रिलेशनशिप में थी, लेकिन फिर इन दोनों का नाम मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा था। 2011 में विपाशा ने राणा दग्गुबाति के साथ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था दम मारो दम। इस फिल्म के बाद राणा दग्गुबाति और विपाशा की लिंकअप की खबरें भी मीडिया में काफी समय तक छाई रही थी। राज फिल्म में विपाशा ने जिस अदाकारी से लोगों को मदहोश किया था, वो अदाकारी बाद में उन्होंने कभी भी नहीं दिखाई। विपाशा ने हमेशा उन रोल को ज्यादा तवज्जो दी थी जिसमें एक्टिंग के कम स्कोप होता था और एक्सपोज करने के लिए बहुत ज्यादा। बीच बीच में 2-4 साल में विपाशा की कुछ फिल्में हिट जरूर होती थी, लेकिन उनसे विपाशा के करियर को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2005 में नो एंट्री, 2006 में फिर हेरा फेरी, ओमकारा और धूम 2, 2008 में रेस, 2009 में ऑल द बेस्ट, ये सारी फिल्में सफल तो हुई, लेकिन ये सभी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी जिनसे विपाशा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। अफेयर्स की बात की जाए तो राणा दग्गुबाति के बाद में एक रात मीडिया में चर्चाओं का दौर तेज हो जाता है जब विपाशा की एक फोटो मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ में वायरल हो जाती है। इसके बाद विपाशा और रोनाल्डो को एक के बाद एक कई प्रोग्राम्स में देखा जाने लगा था। इनकी फोटोज वायरल होने लगी थी। इसके बाद कयास लगाने जाने लगे थे कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन बाद में अचानक से मुद्दा शांत हो जाता है। विपाशा ने जहां एक के बाद एक मॉडल्स और एक्टर्स को डेट किया, वहीं वो विदेशी सेलिब्रिटीज जॉर्ज और रोनाल्डो को भी डेट कर चुकी हैं। लेकिन इन सबसे अलग 2006 में विपाशा का नाम जुड़ा एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ में कि मीडिया में आग सी लग गई। दरअसल 2006 में विपाशा और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अमर सिंह का एक ऑडियो टेप लीक हो गया था जिसमें विपाशा और अमर सिंह अश्लील बातें करते हुए सुनाई पड़ रहे थे। इस ऑडियो टेप के बाद में हाहाकार मच गया था क्योंकि विपाशा अमर सिंह से जिस तरीके से बात कर रही थी उनमें इन दोनों के बीच अफेयर की चर्चा नहीं बल्कि संबंध बनाने के लिए प्राइस की बहस हो रही थी। उस ऑडियो टेप के लिए विपाशा को न सिर्फ बहुत ज्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था बल्कि विपाशा पर ये भी आरोप लगे थे कि विपाशा पैसों के लिए और फिल्में झटकने के लिए वन नाइट स्टैंड भी करती थी। वैसे इस ऑडियो टेप के लीक होने के बाद ये भी सच सामने आ गया था कि नेताओं और अभिनेताओं की पटरी इतनी ज्यादा क्यों मेल खाती है, क्योंकि इस देश को खोखला करने में नेता और अभिनेताओं की जमात ही जिम्मेदार है। खैर, जब इस ऑडियो टेप के बारे में विपाशा से पूछा गया तो विपाशा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे किसी भी ऑडियो टेप के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब अमर सिंह से टेप के बारे में पूछा गया तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि टेप में मेल आवाज उसी की है। ऐसे ही कंट्रोवर्सी विपाशा के साथ तब हुई जब 2014 में आईफा अवार्ड में करीना और विपाशा लिप लॉक करते हुए नजर आई थी। हालांकि इस फोटो के लिए भी ये कहा जाता है कि ये गलत एंगल से खींचा गया है, लेकिन देखने वाले इस फोटो को देखकर यही बताते हैं कि ये दोनों रियल में ही इस तरह से लिप लॉक कर रही थी। इसके अलावा 2014 में ही विपाशा को एक और कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब विपाशा और अमीषा पटेल ने एक मैगजीन के लिए बहुत ज्यादा बोल्ड फोटोशूट करवाए थे। पहले करीना के साथ में किसिंग फोटो और फिर उसके कुछ दिनों बाद अमीषा पटेल के साथ में बोल्ड फोटोशूट में लिमिट क्रॉस करना। उस दौरान मीडिया में ये चर्चा होने लगी थी कि विपाशा लेस्बियन है। इस तरह की अफवाहें काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। विपाशा और अमीषा इवेंट्स में और पार्टीज में सेम ड्रेस में दिखाई देती थी और सेम इवेंट्स और पार्टी में वो ड्रेस पहनकर एक ही समय पर पहुंचा करती थी। तब वही यही कहा जाता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं।
इसके अलावा बात अगर करियर की जाए तो 2009 में ऑल द बेस्ट जो मल्टी स्टारर मूवी थी वो उनकी आखिरी सफल मूवी थी। उसके बाद बिपाशा ने जितनी भी फिल्में की वो सारी की सारी फ्लॉप थी। लम्हा, आक्रोश, दम मारो दम, प्लेयर्स, हम शक्ल, आत्मा, क्रिएचर, अलोन, ये सारी की सारी वो फिल्में थी जो एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। 2015 के बाद बिपाशा फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गई। अप्रैल 2016 में उन्होंने अपने लेटेस्ट और शादीशुदा बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली। इस शादी में भी बिपाशा एक वजह से चर्चाओं में आ गई थी। दरअसल बिपाशा की शादी के दौरान मीडिया में ये खबरें चलने लगी थी कि सलमान खान ने बिपाशा को शादी के गिफ्ट में 10 करोड़ रुपए का एक फ्लैट गिफ्ट किया है। फ्लैट की बात सामने आते ही नए नए सवाल मीडिया में घूमने लगे कि दोस्त तो सलमान खान के और भी बहुत हैं, उनकी भी शादियां हुई हैं, लेकिन सलमान खान ने अपने किसी भी दोस्त को कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया। और ये भी एक इत्तफाक है कि सलमान खान ने जिन जिन को फ्लैट गिफ्ट किया है या जिन जिन को लग्जरी कार गिफ्ट की है वो सारी की सारी फीमेल्स हैं। किसी भी मेल को सलमान खान ने आज तक महंगा गिफ्ट तो दूर की बात है, उनके बर्थडे पर एक केक ही भेज दिया हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। बिपाशा के 14 साल के करियर में मुश्किल से 7 या 8 फिल्में ही सफल रही हैं, जिसमें से राज और जिस्म ऐसी अकेली फिल्म थी जिसमें बिपाशा ने सोलो लीड रोल प्ले किया था, वरना बाकी की सभी फिल्में मल्टी स्टारर फिल्में थी। लेकिन इसके बावजूद उसे 2015 तक लगातार फिल्में मिलती रही। बिपाशा पर लेस्बियन होने का आरोप लगा तो कभी पैसों के बदले रात गुजारने का। बिपाशा अपनी फिल्मों में खुल के एक्सपोज करती थी। अगर यूं कहा जाए कि उसे एक्सपोज कराने के लिए ही फिल्मों में लिया जाता था तो ये बात भी गलत नहीं होगी। बिपाशा ने प्राइवेट पार्टीज और इवेंट्स में परफॉर्म करने के लिए भी कभी परहेज नहीं किया। वो अपने फिल्मी करियर के दौरान प्राइवेट पार्टीज में खुलेआम परफॉर्म किया करती थी और उसके बदले में उन्हें मोटी रकम भी दी जाती थी। दोस्तों, बिपाशा वासु आज हम सबकी नजरों में अपनी मैरिड लाइफ जी रही हैं, लेकिन सवाल तो दोस्तों ये है कि उन्होंने जिनसे शादी की है वो कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, फिर भी वो दोनों मुंबई जैसे महंगे शहर में कैसे लग्जरी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। खैर, आपकी बिपाशा वासु को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।